गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि गिरा ले मुझे अपनी नज़रों में तू कितना ही, झुकने पर मजबूर तो मैं तुझे भी कर दूंगा, और एक बार करके तो देख बदनाम मुझे महफिल में, कसम खुदा की इस शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। तो नमस्कार बेटा, सेट थ्योरी से ये टॉपिक हमारा चल रहा है और लेक्चर है फोर्थ। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इसने कहा है चेक कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। और फोर्थ के चार पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट मैंने पहले ही बोर्ड पे डिफाइन कर दिए हैं। तो आपने करना क्या है, अब इक्वल पूछा है। इक्वल सेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती थी कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो तब हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल सेट फिर हम उनको बोल देंगे, ठीक है। तो ए के अंदर एलिमेंट देखो, फर्स्ट पार्ट ए है, इसमें भी ए है, बी है इसमें भी बी है, सी है इसमें भी सी है, डी है इसमें भी डी है। यस ए इक्वल टू बी, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले का तो आंसर क्या हो गया कि यस ए जो है वो बी के इक्वल है। सेकंड, फोर इसमें भी फोर है, एट इसमें भी एट है, सिक्सटीन इसमें भी सिक्सटीन है, बट ट्वेल्व जो है इज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो देयर फोर ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड में ए में है टू फोर सिक्स एट टेन, बी क्या कहता है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू टेन, तो इसका मतलब बी में एलिमेंट क्या हो गए, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू टेन। तो टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, और क्योंकि लेस देन और इक्वल का भी सिंबल दिया है तो मेरे लाडलो टेन भी आएगा, तो सारे तो एलिमेंट आ गए सेम। तो इसमें भी क्या हो जाएगा थर्ड में कि ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। फोर्थ पार्ट, ए में तो एलिमेंट है टेन के मल्टीपल, तो टेन होगा, ट्वेंटी होगा, थर्टी होगा, फोर्टी होगा, फिफ्टी होगा, एज ऑन बहुत सारे एलिमेंट हैं भाई इसके अंदर, मैं नहीं बता सकता। तो इतने एलिमेंट हैं ए के अंदर। अब बी क्या कहता है, बी हमें कहता है कि 10 है मेरे अंदर तो 15 है मेरे अंदर, 20 है, 25 है, 30 है, और फिर ये चलते जाए। लेकिन 15 ए के अंदर नहीं, 25 ए के अंदर नहीं है, 20 इसके अंदर है, 30 है, लेकिन क्या लेगा, मतलब 15 नहीं लाई कर रहा, 25 नहीं, ऐसे 35 लाई नहीं करेगा, तो दैट इज़ क्या हो गया, ए जो है वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिनेशन याद है, सारे के सारे मेथड आपको याद हैं, तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, आर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, अब मैथ आपने उठा लेना है और क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट को मेरे साथ साथ आपने जो है पढ़ना है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन आपने बोर्ड पर देखना है, ठीक है। तो क्या कहा इसने, कहा है कि बताइए कि ये सेट बी इक्वल है या नहीं है, और रीजन आपने देना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो इसने कहा कि भाई एक तो सेट ए हमने मान लिया, एलिमेंट है टू और थ्री, ठीक है। और इसने कहा सॉल्यूशन बी में, भाई सॉल्यूशन एक्स सच दैट, और किसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस में सिक्स एक पॉलिनोमियल और इक्वल टू जीरो दे दिया, तो इक्वेशन हो गई। तो इसको सोल्व करना है, आगे भी दिया है लेकिन वो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर फैक्टर बनाइए टू और थ्री, तो टू एक्स और प्लस में थ्री एक्स हो गए, यही तो हो गए, ठीक है ना। और प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉमन एक्स है तो एक्स प्लस टू रह गया, कॉमन थ्री है तो एक्स प्लस टू रह गया, ठीक है। दोबारा से पूरे में से कॉमन लिया, एक्स प्लस टू आ गया, कितना रह गया, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू और माइनस थ्री, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, टू और थ्री है, लेकिन यहाँ कितना है, माइनस टू और माइनस थ्री आया है, तो देयर फोर ए जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। सेम एलिमेंट तो सेम है लेकिन सिंबल सेम नहीं है, तो नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में इसने कहा है कि एक सेट ए, ए किससे बन रहा है, फोलो से, तो एफ वन टाइम आएगा, ओ वन टाइम, एल वन टाइम, दोबारा से एल लेने की जरूरत नहीं, और ये बन गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद बी वोल्फ, तो डब्लू है, ओ है, एल है, सारे लेटर अलग अलग हैं, डब्लू ये रहा, ओ ये रहा, एल ये रहा, और एफ ये रहा, यस ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे आप कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इसमें क्या है कि फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमें बहुत सारे सेट दे रखे हैं और उसने कहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा सेट किसके इक्वल है, ठीक है ना, कि कौन सा किसके इक्वल है भाई, ये हमें जवाब देना है हमने, ठीक है, कि कौन सा सेट जो है किसके इक्वल है। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। क्वेश्चन नंबर किस में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलो एक्सरसाइज का। एक सेट ए दिया और उसके अंदर एलिमेंट है 2 है 4 है 8 है और 12। एक सेट बी दे दिया, एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। एक सेट सी, एलिमेंट है 4 है 8 है 12 है और कितना है 14 है। एक एलिमेंट डी है, सॉरी सेट डी है, 3 है 1 है 4 है और 2 है। एक ई भी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है भाई -1 और 1, ई का काम खत्म, एफ 0 और ए, एफ का काम खत्म, जी 1 और -1 और एच 0 और 1। करना क्या है आपने, चेक करना कि कौन सा किसके इक्वल है। 2 4 8 12 2 4 8 12 देखना भाई कोई है, 2 4 8 12 ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है, बी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बी तो आ गया भाई किसके इक्वल, डी के इक्वल या डी इक्वल टू बी, एक तो ये आ गया। सी 4 8 12 14 नीचे कोई नहीं है और डी जो है बी के इक्वल आ गया। ई -1 1 नीचे वाले में ई जो है भाई वो इक्वल आ गया किसके, वो आ गया इक्वल जी के, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। एफ 0 a और h 0 1, तो कुल मिला के बी डी और ई जी यही एक दूसरे के इक्वल हैं, बाकी कोई किसी के इक्वल नहीं है, उन्होंने जो है सिंगल ही काम चलाना पड़ेगा, यानी कि इन्हीं का हमारे पास एक तरह से पेयर बन रहा है, यही एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो कि बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, हमने कर ली है। इससे अगली एक्सरसाइज जो है उसमें हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं बेटा अपसमुच्चय, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। तो सबसेट की डेफिनेशन बताऊंगा, सबसेट के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे बताने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।